नेताजी, 10 सितंबर को जो आपकी एक रणनीति आपने तैयार की है, क्या प्रोग्राम है हमारे दर्शकों के लिए बताइए, और जो संघर्ष समिति आपकी काम करेगी कहाँ तक है, कितने लोगों के आने की संभावना है इसमें? मैं पहले शर्मा जी आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। और जो 10 तारीख का हमारा पंचायत का जो प्रोग्राम है वो जेवर तहसील पर है, और इसमें जो जेवर के लोगों की समस्याएं, तहसील से जुड़ी हुई समस्याएं, जो वहाँ धांधली चल रही है, जो बिजली में दिक्कतें आ रही हैं जेवर क्षेत्र में, उसको लेकर 10 तारीख को एक बड़ी पंचायत हम करने जा रहे हैं। वहाँ के किसानों को जो छला जा रहा है, लगातार उनकी बातों को जो नहीं सुना जा रहा है, जो काम 2 दिन में होने चाहिए उनको 2 महीने तक नहीं करा जा रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर, और जिस तरीके से जब सरकार की तरफ से लाइट के ट्वेलों के लिए मुफ्त कर दिया गया है, तो उसके बाद भी जो ये तानाशाही लगातार यूपी सीएल की जो चल रही है लगातार, उसके खिलाफ लोगों में जो आक्रोश है, उन सभी बातों को लेकर वहाँ बैठेंगे। और जो एयरपोर्ट के किसान हैं वो लोग लगातार हमसे कांटेक्ट लगातार करते रहते हैं, आते रहते हैं, हमको अपनी समस्याएं बताते रहते हैं, तो जो उनका भुगतान जैसे 5.5 लाख है, हम उसकी मांग करते हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो कम से कम 15 लाख रुपए का उन्हें भुगतान होना चाहिए। उन सभी मुद्दों को लेकर 10 तारीख को ये बड़ी पंचायत हम करने जा रहे हैं। लगभग कितने किसान की सम्मिलित होने की संभावना है इसमें? हजारों की संख्या में किसान यहाँ सम्मिलित होंगे, ट्रैक्टरों के साथ वहाँ, भैंसा बुग्गी के साथ वहाँ किसान पहुँचने का काम करेंगे। दूसरा सवाल है कि जो किसानों की समस्याएं, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली मुफ्त की है किसानों के लिए, तो उस तरह जो वहाँ के कर्मचारी काम नहीं करना चाह रहे, किस तरह की परेशानी महसूस हो रही है? परेशानी इस तरह की महसूस हो रही है कि जैसे ट्वेल के कनेक्शन ही मिल रहे हैं, कनेक्शन देने में दिक्कत आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब कई लोड ओवर दिखाकर किसानों से पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, और खंभे का पैसा भी जहाँ होना चाहिए 1000 वहाँ 2000 मांगे जा रहे हैं, तो उन सभी मुद्दों को लेकर, और जिस तरीके से ट्वेल जितने भी ट्वेल लगे हैं वहाँ, हम चाहते हैं वो मीटर मुक्त रहे। जब फ्री हैं तो मीटर लगवाने का औचित्य क्या है, तो मीटर मुक्त हम चाहते हैं, ये मीटर लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी ट्वेल पर किसी भी किसान को मीटर के द्वारा फ्री नहीं करना चाहिए, जब मुफ्त है तो मुफ्त ही रहना चाहिए। दूसरा एक और सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, जैसा कि यह टोल की समस्या आती है, आज दिन परेशानी रहती है किसानों के लिए जो अपने वाहनों को ले जाते हैं, उस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, एक तो जो सबसे देखो किसान की जो सवारी है वो ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर के साथ लगातार जब भी किसान आते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ रात में इस हाईवे पर ट्रैक्टर में दिक्कत आती है, लेकिन दिन में भी कई बार जो दिक्कतें करते हैं, ट्रैक्टर ऊपर नहीं चढ़ने देते हैं, या किसानों से बदतमीजी कभी कभी जो ये कर देते हैं, उसके खिलाफ। और दूसरा ये है कि किसान जितने भी लोगों की यहाँ जमीन गई है, हम ये चाहते हैं उन सबका कार्ड बने, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट निकाला जाए। भाई संगठनों के सबके नंबर चले हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ किसानों को डायरेक्ट ये सुविधा भी मिले कि उनके किसान कार्ड बनाए जाए, जिसकी वजह से ये यमुना एक्सप्रेसवे जिनकी इसमें जमीन गई है या यमुना अथॉरिटी में जिनकी जमीन गई है, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में नेताजी? देखिए, जो टोल की समस्याएं बहुत पुरानी हैं, और क्षेत्रीय किसानों ने विकास के लिए जमीन दी है, तो हमारा कहना ये है क्षेत्रीय किसानों के लिए जिनकी जमीन गई है उनको मुफ्त निकाला जाए आईडी के आधार पर। और ये जो नंबर की व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था भी बंद होनी चाहिए, और किसानों को गाड़ी जो निकाली जाए वो उसके आधार पर, आईडी के आधार पर निकाली जानी चाहिए। जेवर में जो धरना रहेगा, एक दिन का रहेगा, अनिश्चितकालीन रहेगा? वो एक दिन की महापंचायत रहेगी, उसमें जो एनपीसीएल यूपीसीएल के मुद्दे हैं, जेवर एयरपोर्ट से जो विस्थापित परिवार हैं उनके मुद्दे हैं, और आने वाले समय में जो अधिग्रहण होने जा रहा तीसरे चरण का जेवर एयरपोर्ट का, उससे संबंधित मुद्दे हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई जो विस्थापन नीति आप लाए, जो विस्थापित आप कर रहे हो, 5 लाख प्रति परिवार का जो इंसेंटिव दे रहे हो, उसको कम से कम, जो अभी बताया कि कम से कम 12 से 15 लाख रुपए प्रति परिवार की आय होनी चाहिए उसमें। और जो नौकरी की बात आई है, नौकरी क्यों किसी को मिलेगी नहीं, नौकरी यहाँ स्थानीय लोगों को कोई नौकरी नहीं दे रहा, यहाँ सिर्फ बाहरी लोगों को 200 किलोमीटर से दूर के लिए कंपनियों के बोर्ड लग रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कंपनियाँ और प्राधिकरण की भाई 50% की भागीदारी कर रहे हैं। क्षेत्रीय लोग त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, और जेवर एयरपोर्ट में भी बहुत सारे किसान परेशान हैं। तो हमारी लड़ाई ये है कि जो तहसील में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे पटवारी है चाहे और स्तर पे, वो किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, वारिसान नहीं बन रहे हैं, मतलब मोटेशन नहीं चढ़ रहे हैं,
छोटे से छोटे काम के लिए रिश्वतखोरी इतनी बढ़ चुकी है, तो उसको लेकर ही हमारा संगठन एक महापंचायत 10 तारीख को तहसील मुख्यालय पे करने जा रहा है, और उसमें हम मजबूती के साथ उसको करेंगे।